नमस्कार दोस्तों, UNKT स्टडी पोर्टल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज UPPSSC ने BEO प्री का रिजल्ट जारी किया है। तो दोस्तों, इससे पहले यदि आप अभी चैनल पर नए विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आप अपना रिजल्ट कैसे देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर क्रोम या गूगल में यहाँ पर टाइप कीजिए सरकारी रिजल्ट। तो देखिए, यहाँ पर जब आप खोलेंगे तो आपको जो है इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर रिजल्ट वाले सेक्शन में देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, अभी जारी किया गया यह रिजल्ट, यहाँ पर लिखा है कि UPPSSC BEO प्री रिजल्ट। तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। तो देखिए, जब आप क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो देखिए दोस्तों, यह जो यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन स्टार्ट जो इसका हुआ था 13/12/2019 को हुआ था, और देखिए दोस्तों इसका जो एग्ज़ाम हुआ, देखिए यह 16 अगस्त 2020 को जो है इसका एग्ज़ाम कराया गया। और देखिए दोस्तों, एडमिट कार्ड इसका जो है 5 अगस्त को ही अवेलेबल कर दिया गया, और देखिए आंसर की जो है 18 अगस्त को जो है अवेलेबल करा दिया गया। तो देखिए, 16 अगस्त को इसका एग्ज़ाम हुआ था, 18 अगस्त का इसका जो है आंसर की जो है अवेलेबल करा दिया गया। देखिए दोस्तों, इसके लिए कुल देखिए 309 पोस्ट पर यह वैकेंसी है खंड शिक्षा अधिकारी का, यानी BEO का। तो यहाँ पर देखिए, आप डाउनलोड जो रिजल्ट लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, जब आप डाउनलोड रिजल्ट पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक जो है PDF डाउनलोड होगा। यहाँ पर देखिए लिखा है कि यहाँ पर देखिए खंड शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक परीक्षा 2019 का परिणाम घोषित कर दिया गया है। उल्लेखनीय है कि प्रारंभिक परीक्षा के लिए देखिए परीक्षा के लिए यानी प्रारंभिक परीक्षा के लिए कुल 5,28,313 ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे, जबकि परीक्षा में कुल 2,34,064 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए थे। यानी देखिए दोस्तों, कुल जो है 5,28,313 अभ्यर्थियों ने देखिए कुल ऑनलाइन आवेदन कराया था, लेकिन देखिए परीक्षा में कुल 2,34,064 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए। और देखिए, इस परीक्षा में चयन हेतु कुल पदों की संख्या 309 है, और देखिए प्रश्नगत परीक्षा के आधार पर कुल 309 रिक्तियों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा है, तो कुल 4,591 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। तो देखिए दोस्तों, 309 पोस्ट पर वैकेंसी है, और देखिए मुख्य परीक्षा के लिए कुल 4,591 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है। और देखिए, यहाँ पर लिखा है कि मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम एवं मुख्य परीक्षा है, तो सफल अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन या परीक्षा शुल्क जमा करने की प्रक्रिया के संबंध में पृथक से प्रेस विज्ञप्ति जारी की जाएगी। और देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रस्तर, तो यहाँ पर देखिए महिला आरक्षण के संबंध में प्रश्नगत, यहाँ पर देखिए यह सभी लिखा है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्रस्तर 3 देखिए, यहाँ पर यह लिखा है कि प्रश्नगत परिणाम से संबंधित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। यानी देखिए दोस्तों, यह नहीं बताया गया है कि कट ऑफ कितना गया। यहाँ पर देखिए लिखा है कि परिणाम से संबंधित प्राप्तांक तथा श्रेणीवार कट ऑफ अंक अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत जो है आयोग की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे, और देखिए इसकी सूचना तत्समय समाचार पत्र में भी प्रकाशित की जाएगी। तो देखिए दोस्तों, यह देखिए अभ्यर्थियों का यह रिजल्ट है, देखिए जिनका हुआ। यहाँ पर देखिए अपना जो है रोल नंबर या जो भी हो उससे आप सर्च कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर नीचे लिखा है, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स क्वालिफाइड, तो देखिए 4,591 कैंडिडेट को जो है क्वालिफाई किया गया है। तो दोस्तों, आपके लिए यही एक लेटेस्ट अपडेट था। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।